मंत्रालय ना सही मगर नौटंकी मंत्री तो है, और ये मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी। हिस्ट्रियोनिक्स देखिए, अरे ये होगा तो छाती पीटती हैं, सर कलम करके रख दूंगी, संसद में खड़े होकर बोलती हैं, काम नहीं करती, बिना डिग्री के बताती हैं कि डिग्री है, पढ़ाई लिखाई तेरा भाई, और बन गई एजुकेशन की मंत्रानी। मगर भाजपा का सांसद एक और उस पर लगा है आरोप, पर चुप है ये, आवाज नहीं निकलती इस मंत्री की, क्योंकि ये मंत्री केवल दिहाड़ी मजदूर है, ये मंत्री चिल्लड़ ट्रोल है, जो बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे, पहले भी 3 दिन बैठी, फिर 3 महीने इंतजार, और फिर सड़कों पर वापस, सिर्फ ऐसी मंत्रियों की वजह से। भाजपा की ये मंत्री जिसका काम है गोलगप्पे की दुकान में जाएगी तो भी पूछेगी राहुल गांधी आए थे यहाँ, आइसक्रीम की दुकान में जाएगी तो पूछेगी राहुल गांधी आए थे यहाँ, और राहुल गांधी के ऊपर अटैक करने के अलावा, गांधी परिवार के ऊपर अटैक करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी इनको मिलती है केवल इसी काम की। मगर जो बेटियां बैठी हैं सड़कों पे, उनसे कौन बात करेगा, उनसे कौन पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दर्द है बेटियों, ये बताओ। आपको जिम्मेदारी दी गई थी इस देश की बेटियों, इस देश की महिलाओं की, मगर आप देश की मंत्री नहीं बन पा रही, क्योंकि आपको एक्टिंग करनी बेहतर आती है, वो भी एक ही टाइप की, हिस्ट्रियोनिक्स हिस्टेरिक्स, ये एक्टिंग नहीं होती। पर बेटियों के पास कब जाएंगी, कब उनको न्याय दिलवाएंगी, कब ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरोध में बोलेंगी, कब पता लगाएंगी कि जिस बेटी का शोषण हुआ, जो पॉक्सो एक्ट में मामला अब माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से रजिस्टर हुआ है, उसके दर्द को साझा कब करेगी ये मंत्री, बताए स्मृति ईरानी।